सबसे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आपकी मांगों का समर्थन करते हुए आपको इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि इस कोरोना के टाइम में आप दसियों हजार की संख्या में यहां पहुंचे हैं। दूसरा जो मुबारकबाद का कारण है, आपने असल रास्ते को पहचाना है, असल झंडे को पहचाना है। सीआईटीयू का झंडा उठा के आपने उपलब्धियां भी हासिल की है, अनेकों लोगों ने मुकुट भी पहनाए, पगड़ी भी पहनाई, माला भी पहनाई, लेकिन उनके तो ठाठ लाग गए, आम ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह आपने यूनियन में असल यूनियन को पहचाना है, इसी तरह मैं आपका आह्वान करता हूं कि राजनीति में भी असल मजदूर वर्ग की राजनीति को पहचानो, जिसका झंडा लाल है, जिसके झंडे में धरती हथौड़े का निशान है, जो आज इस टाइम पे आंदोलन रहते है, संघर्ष रहते है, इस बात के लिए कि हर उस आदमी को जो इनकम टैक्स नहीं देता, 7,500 रुपए महीना मासिक मदद करो 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि आज देश आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और आर्थिक संकट जब हल होगा, जब आम लोगों की जेब में पैसे होंगे। हम कहते हैं कि हर आदमी को 10 किलो अनाज अगले 6 महीने तक फ्री दो, इसलिए फ्री दो, हमारे गोदामों में 12 लाख टन अनाज पड़ा है, सुरसी खागी, चूहे खागे, दिमक खागी, छिड़क्या गड़क्या, लेकिन यह सरकार गरीब लोगों को नहीं दे रही। इसने अडानी आए ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हम मांग करते हैं कि यह 10 किलो अनाज हर उस परिवार को मिले जो मेहनत करके पेट भरता है, क्योंकि उसकी जो दिहाड़ी है, अगर वो अनाज पर खर्च हो जाएगी तो बाजार का सामान नहीं बिकेगा। इसलिए हमारी मांग है कि बाजार जब चलेगा, जब इस नरेगा के मजदूर को जो हमारे ही परिवारों में से है, 200 दिन काम और 600 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। ये जो आप निजीकरण कर रहे हो, इस पर रोक लगाओ। बसाऊ राम ने जिक्र करा था, ड्रामेबाज बहुत है हमारा प्रधानमंत्री। कुल सिंह तो कह रहे थे झूठा है, मैं कह रहा हूं ड्रामेबाज भी है। वहां पैर तो धोए, पैर धोने का ड्रामा तो करा, लेकिन इस कोरोना के टाइम पर कौन लड़ रहा है कोरोना से? पूरे गांव की, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई ठीक है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, सबके घर के सामने सब नालियों की सफाई हम करते हैं, लेकिन हद है, हमें मास्क नहीं, पीपी किट नहीं, औजार नहीं, और हम कह रहे हैं कि आप इस समय का जोखिम भत्ता दे दो। बात तो करे था कि ये जो लड़ने वाले हैं, मैं इनके वेतन दुगने करूंगा, लेकिन अब कह रहा है कि पैसे नहीं है। साथियों, पैसे मैं आपको बताऊं, ये अंबानी हमारा देश का जो सबसे बड़ा सेठ है, आज दुनिया का चौथे नंबर पर आ गया। इसकी संपत्ति इस कोरोना काल में 20 मिलियन डॉलर से बढ़कर 60 मिलियन डॉलर होगी। उसके तो 4 महीने में दुगने रुपया हो गए, और मारे घर का आटा सपट गया। मेरा बेटा दिल्ली में नौकरी करा करता, नौकरी भी करा है, लेकिन तनख्वाह 35,000 तक घटा के 22,000 करती। अब दिल्ली में 22,000 में रहना, मकान किराए पर लेकर रहना बहुत कठिन काम है। ये आड़ती है भाई, आड़े लड़ रहे हैं, हम इनका समर्थन करा। ये जो मोदी सरकार अब 3 अध्यादेश लेकर आई है, जिसके कारण किसान का अनाज नहीं खरीदा जाएगा, और मजदूरों में न्यू कहे ठीक क्या हो गया, बोले अपना सस्ता मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, बहम मरण की जरूरत नहीं है। अगर यह अध्यादेश पास हो गए, सरकार अनाज खरीदा लेगी, तो हमने कोटे पर अनाज नहीं मिलेगा। जब हमने कोटे पर अनाज नहीं मिलेगा, हम झोड़ा ठाका जावांगे। जुड़से न हो 19 की जगह 14 रुपये खरीदेगा, वो हमने 28 रुपये मिलेगा, हमने 30 रुपये मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 20 तारीख से 27 तारीख तक पूरे देश में, हरियाणा में भी गांव-गांव जा रही है, जत्थे चला रही है, आप लोग उसका हिस्सा बनो। और इसी तरह जैसे आपने यूनियनों में असल
यूनियन की पहचान करी है। मैं आपसे ये अपील करता हूं कि राजनीति में भी अपना पारा पहचानो, पारा ठंडा करो। ये सारे चोर एक के थड़े पीटने पड़ेंगे, नहीं पीटते तो ये न्यू एशिया देंगे चुकरो जूती से जाकर। यही कहते हुए मैं अपनी बात फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से आपकी मांगों का समर्थन करते हुए और भाइया बतावा, केवल समर्थन नहीं कर दे कि लाठी खान की जरूरत पड़ेगी खावांगे, मारन की जरूरत पड़ेगी मारांगे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।